नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। रोजगार से जुड़े रोज के टॉप 5 समाचार में हम आपसे आज बात करेंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी पटना, सैनिक स्कूल नालंदा, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कोचिन, तमिलनाडु मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड टीएनएमआरबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 31 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 37 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआरईडब्ल्यूएस ओबीसी को 750 रुपए, एससी एसटी पीएच को 200 रुपए, वहीं महिला अभ्यर्थी जो कि सिर्फ बिहार की रहने वाली हैं उनके लिए 200 रुपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों के लिए और दूसरे स्टेट के लोगों के लिए 750 रुपए। आखिरी तारीख 12 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सैनिक स्कूल नालंदा की तरफ से निकाली गई रिक्तों के बारे में। पद का नाम है आर्ट मास्टर, बैंड मास्टर, जनरल एम्प्लॉई स्टाफ, वार्ड बॉयज, पीईएम, पीटीआई का मेट्रन, नर्सिंग सिस्टर, काउंसलर, आया। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 19 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास पीजी या ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन या डिप्लोमा रेलिवेंट सब्जेक्ट में और साथ ही साथ वर्किंग एक्सपीरियंस का होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 50 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर और ओबीसी को 500 रुपए, एससी एसटी को 300 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 3 मार्च 2021 है। वहीं आप अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कोचिन की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ट्रेनी एनालिस्ट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 12 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 35 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 23 फरवरी 2021 है। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड टीएनएमआरबी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डायलिसिस टेक्नीशियन ग्रेड 2। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 292 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो 10+2 या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 58 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी पीएच को 300 रुपए और बाकी सभी श्रेणी के लोगों को 600 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 20 फरवरी 2021 की तय की गई है। इसके साथ ही आप इन पदों से संबंधित सभी जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 25 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इन केमिकल या पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें 65% अंकों का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपका गेट 2021 की परीक्षा को क्वालिफाई करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 26 साल तय की गई है। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 16 मार्च 2021 तय की गई है। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।